हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपैरिजन करने वाले थ्री रोलर बॉल पेंस का, पायलट V7 कार्ट्रिज सिस्टम, रोईटो मैक्स्ट्रॉन एंड रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स। तो हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं कुछ बेसिस पर। सबसे पहले इनकी स्मूथनेस पर, फिर इनकी डार्कनेस, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये स्मज होते हैं या नहीं, और सबसे लास्ट में वाटर प्रूफिंग टेस्ट। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा पेन कौन सा हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पायलट V7 से। तो ये तो कॉर्ट्रिज सिस्टम है, तो एक बार देखते हैं। बाहर से तो इसका लुक बहुत अच्छा है, एक बार अंदर से देखते हैं। ओके, तो मुझे इसका ये फीड से लेकर निब तक का सिस्टम में ये बहुत अच्छा लगा देखने में। मुझे काफ़ी अच्छा लुक है इसका, और पकड़ने भी काफ़ी कंफर्टेबल है ग्रिप। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये और इसके अंदर कार्ट्रिजेस यूज हो रही हैं। आप इसको कार्ट्रिज एक बार निकाल सकते हैं, फिर आप इसको रिफिल कर सकते हैं जब भी ख़त्म हो जाए। तो आप दूसरी कार्ट्रिज डाल के इसे रिचार्ज कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। ओके, तो पेन तो अच्छा है। इससे एक बार लिख के देख लेते हैं। हमारे पास नोटबुक भी है बिल्कुल बगल ही में। ओके, तो एक बार इससे लिख के देख लेते हैं। पायलट V7 कार्ट्रिज सिस्टम। ओके, तो पेन तो बहुत स्मूथ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इंक भी इसकी काफ़ी डार्क है। स्मच टेस्ट भी कर देते हैं। स्मच, ओके, तो पेन स्मच तो बिल्कुल नहीं होता है, हम इसको स्मच फ्री पेन कह सकते हैं। ओके, नाइस पेन। ओके, तो सेकंड नंबर पे है हमारे पास रोईटो मैक्स्ट्रॉन। तो बाहर से तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये इसका टेक्नोलॉजी जैसा इसका ये प्रिंट अच्छा लग रहा है बहुत। अंदर से भी देख लेते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और इस पेन में एक अलग चीज़ है। मतलब जैसे आपने V7 में देखा, आपको कार्ट्रिज डालनी पड़ती है, इसमें आप कार्ट्रिज नहीं डाल सकते। इसमें आपका ये पूरा हिस्सा ही नया आता है, और एक ट्रांसपेरेंट सा ढक्कन आता है लग के, वो भी कार्ट्रिज तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वापस बंद कर देते हैं इसे। मैंने इसे यूज़ तो काफ़ी किया है, और मुझे अच्छा भी लगा। यहाँ पर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। रोईटो मैक्स्ट्रॉन। ओके, तो पेन स्मूथ है, लेकिन मुझे पायलट V7 ज़्यादा स्मूथ लगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसका जो निप साइज है वो 0.5 mm है। ओके, फोकस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पायलट V7 का जो निप साइज है वो है 0.7 mm, और इसका 0.5 mm। तो पेन तो अच्छे स्मूथ है, एक बार इसमें टेस्ट कर देते हैं। ओके, तो पेन में थोड़ा सा स्मज देखने को मिला है ज़्यादा, पायलट V7 में उतना नहीं था। मतलब पायलट V7 तो मुझे लगता है स्मज फ्री है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा देखने को मिला है, अभी कैमरे फोकस आ नहीं रहा है, एक मिनट, तो शायद आप देख सकते हो। तो अभी तक तो पायलट P7 हमारा विनर चल रहा है, लेकिन आगे हो सकता है उसके ड्रॉबैक आ जाए। ओके, तो हमारे पास रेनॉल्ट्स ट्रैमैक्स है, बहुत फेमस पेन है ये, हर कोई बच्चा यही लेना चाहता है मेरी तरह। मुझे पायलट V7 वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तब भी ये बहुत अच्छा पेन है, तो बाहर से काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, इसलिए सबको पसंद है ये। अंदर से देख लेते हैं, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे रोइटो मैक्स्ट्रॉन जैसी सिमिलर लगी, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे लगभग सेम लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। और इसमें भी यही सिस्टम है, इसमें कॉर्ट्रिज नहीं डाल सकते आप, ये पूरा चेंज होगा विद कॉर्ट्रिज। और इसका जो फीड है ये मुझे थोड़ा सा ऊंचा लगा, लेकिन ये रोइटो मैक्स्ट्रॉन से सेम है, मैंने नाप के चेक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों पेन का फीड सेम ही हाइट का है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे दोनों में। तो मैक्स्ट्रॉन अपना बंद कर देते हैं, प्राइमैक्स से एक बार लिख के देखते हैं। रेनॉल्ड्स प्राइमैक्स, तो पेन तो अच्छे स्मूथ है, मुझे रोइटो मैक्स्ट्रॉन जैसे ही लगा, लेकिन इसका जो इंक शेड है वो थोड़ा सा उससे कम लग रहा है मुझे। इसमें टेस्ट भी कर देते हैं। ओके, तो इसमें स्मच तो रोइटो मैक्स्ट्रॉन जितना ही लगा मुझे लगा, ना ज़्यादा ना कम, बहुत कम स्मच है दोनों पेन में। इनको भी अच्छा कह सकते, ये भी अच्छे पेन ही है, कह सकते हैं अच्छी है। तो यहाँ तक तो ठीक है, अब करते हैं इनका वाटर प्रूफिंग टेस्ट। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो पानी सबसे ज़रूरी, और सेकंड थिंग है ये ब्रश जिससे हम अप्लाई करेंगे वाटर इसके ऊपर। तो पायलट V7 का टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, पायलट V7, तो ये पेन वाटरप्रूफ तो मुझे नहीं लग रहा है, ही नहीं है वाटरप्रूफ, ये पेन वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी नोटबुक पे कभी कभी पानी गिरेगा, पानी गिर जाता है कभी कभी गलती से, मुझसे भी गिर चुका है, तो ये पेन उतनी बुरी तरह से नहीं फैलेगा जैसे बाकी पेन फैल जाते हैं, उतनी बुरी तरह से तो नहीं फैल रहा ये, लेकिन वही है थोड़ा सा ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है। ओके, तो अब देखते हैं रोरिटो मैक्स्ट्रॉन क्या ये वाटरप्रूफ है, अच्छे से वाटर अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मुझे रिजल्ट तो अच्छा देखने को मिला है, रोइटो मैक्स्ट्रॉन भी मतलब वाटरप्रूफ है कंप्लीट। यहीं पे ट्राइमैक्स की इंक भी देख लेते हैं, वैसे दोनों का शेड सेम लग रहा है, मुझे लग रहा है सेम इंक डली है दोनों का, बस कंपनी का अंतर है। तो ट्राइमैक्स पे भी हमने पानी डाला और ये भी कंप्लीट वाटरप्रूफ है, सिर्फ हमारा जो पायलट V7 है वो वाटरप्रूफ नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं पेज पे, पायलट V7 से थोड़ा सा छप चुका है, लेकिन बाकी किसी पेन से नहीं छपा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। तो ये तो साइड में रखते हैं अब हम।
तो ये हमारा रिजल्ट है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। पूरे कंपैरिजन में जो ओवरऑल विनर मुझे लगा वो तो है रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स, और मतलब रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स और रोइटो मैक्स्ट्रॉन, ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो इन्हें मैं विनर कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, इनमें थोड़ा सा स्मज देखने को मिलता है, लेकिन वही पायलट V7 में बिल्कुल स्मज नहीं है, ये कम्प्लीटली स्मज फ्री पेन है। तो इसका मतलब है तीनों के ही सेम एडवांटेजेस हैं और सेम डिसएडवांटेजेस, लेकिन इनमें बहुत कम स्मज देखने को मिला है। तो अगर आपको ऐसे पानी गिरने से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको कंप्लीट स्मज फ्री डार्क पेन चाहिए जो काफ़ी स्मूथ भी हो, बहुत स्मूथ है इन दोनों से V7, तो इस हिसाब से इसके एडवांटेजेस मुझे ज़्यादा लगे। लेकिन तब भी ट्राइमैक्स को हमने विनर रखा है और मैक्स्ट्रॉन को, तो आप पायलट V7 ले ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाटरप्रूफिंग चाहिए, स्मज आपको कम चाहिए, अगर आपका हाथ गलती से लग जाए, आपको स्मूथ राइटिंग चाहिए और आपको फाइन निब भी पसंद है, तो आप जा सकते हैं रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स या फिर रोइटो मैक्स्ट्रॉन के साथ। दोनों की इंक भी मुझे लगभग सेम लगी, दोनों की बॉडी शेप सेम है, बस एक मुझे जो डिफरेंस मिला वो मैक्स्ट्रॉन की जो क्लिप है वो सीधी है और इसकी क्लिप थोड़ी सी कर्व है, और ट्राइमैक्स की जो फीड है, फीड के ऊपर वाला एरिया वो थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है जब वो ऐसे बने रहते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं इन्हें पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी ऊंची लगती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जबकि सेम साइज है मैक्स्ट्रॉन और इसका ट्राइमैक्स का, तब भी ये थोड़ा सा मुझे सही लगता है तब भी। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा पेन ज़्यादा अच्छा लगा। ये थी हमारी इस ईयर की लास्ट वीडियो, वो भी लास्ट आवर पे, अभी 11:30 हो रहा है, तो लास्ट वीडियो थी हमारी इस ईयर की। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।